मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आप अपनी ये इस मांग को 10 रुपए से घटाई जाए। माननीय सदस्य मनीष कुमार जायसवाल का अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अपने देश में अलग अलग धर्म, जात, मजहब के लोग रहते हैं, सबको धार्मिक आज़ादी है, लेकिन झारखंड के हजारीबाग से जो खबर आ रही है थोड़ी चौंकाने वाली है। वहाँ पे रामनवमी की तैयारी चल रही है, दुर्गा पूजा कल से शुरू हो रहा है, तो इसमें रामनवमी पे लोग जुलूस भी निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, डीजे बजाते हैं, लेकिन जान के आपको ताजुब होगा कि हजारीबाग में डीजे बजाने पे बैन लगा दिया गया है। किस लिए? एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनकी आबादी ज़्यादा है। अब उसमें 107 की कार्रवाई कर दी गई, 5000 लोगों पे कर दी गई, वहाँ के लोग धरना दे रहे हैं, डीजे वालों से ये लिखवा करके लिया जा रहा है कि आप किसी को भी बजाने के लिए अपना डीजे नहीं देंगे। लोग चिल्लाते रहे, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, धरने पे बैठ गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक हैं मनीष जायसवाल, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने आज सदन में वो काम किया जो एक विधायक से उम्मीद नहीं की जाती है। उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ा और दिखाया अपना सीना जिस पे बनियान बेज श्री राम लिखा हुआ है। स्वाभाविक है सब लोग चौंके कि आखिर ऐसा क्यों। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि उन्होंने किस तरीके से विधानसभा में अपना ही कुर्ता फाड़ डाला। हम लोगों की प्रतिष्ठा तो है नहीं अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आप अपनी ये करवाया कि मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, तो क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे समय पर जवाब देंगे जब उनको हम लोग फिर बाद में कुछ नहीं बोल पाएंगे अध्यक्ष महोदय। 23 और उसके बाद अध्यक्ष महोदय अभी रामनवमी का विषय है, हमने कितनी बार उठाया यहाँ पर, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने उठाया, आज बाध्य होकर के हम लोग सब लोगों को वेल पे जाना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। 5000 लोगों पर 107 हुआ है, वाद यंत्र बनाने पर रोक है, डराया जा रहा है, पुलिस वाले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, डीजे वालों से जाके सिग्नेचर करवा रहे हैं कि तुम डीजे नहीं दोगे, तो इस देश में, इस राज्य में क्या हिंदू होना अपराध है अध्यक्ष महोदय? अगर हिंदू होना अपराध है और सदन चल रहा है अध्यक्ष महोदय, हम लोग अपनी बात को भी रख रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या हम लोग इसी बात के लिए सदन में आते हैं अध्यक्ष महोदय? और कोई संरक्षण नहीं मिलेगा क्या अध्यक्ष महोदय? क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं? मंत्री जी उठ के बोलते हैं, इनको हमने तो 4 बार बोला कि हाँ भाई आप तालिबान में रहते हैं, तो हम लोग जैसे आप जैसे रखेंगे वैसे रहना है, फिर हम लोग देखेंगे अध्यक्ष महोदय। क्या मंत्री जी ये जो 5000 लोगों पर 107 हुआ है, क्या उसको वापस FIR ये जो 107 है वापस करवाएंगे? क्या निर्दोष जो लोगों पर FIR हुआ है वापस करवाएंगे? जो लोग धरना आमरण अनशन पर बैठा हुआ है उनका क्या होगा? वाद्य यंत्र क्यों नहीं बजेंगे? डीजे क्यों नहीं बजेगा? क्या आपके कहने पर डीजे नहीं बजेगा या कोई आपका लॉजिक है? मैं लेकर के आया हूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये कहता है कि राज्य सरकार चाहे तो 15 दिन प्रति साल धार्मिक अनुष्ठान में परमिशन दे सकती है। अगर दे सकती है तो हजारीबाग का रामनवमी पूरे विश्व का, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामनवमी है, तो आपको देने में क्या आपत्ति है? आपकी DC प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि भाई चलंत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, क्यों, क्या, काहे, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो क्या इस राज्य में सारा बात होना गुना अध्यक्ष महोदय? आप उत्तर दिलवा दीजिए अध्यक्ष महोदय, आपका सारा बात आ गया। नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय, वो सब नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। श्री सूद इस सदन में हम लोगों की प्रतिष्ठा तो है नहीं अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आप अपनी ये इस मांग को 10 रुपए से घटाई जाए। माननीय सदस्य मनीष कुमार जायसवाल का अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। फिर उन्होंने बयान भी दिया कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका कहना है कि हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है, हम सदन में एक विधायक क्या कर सकता है, सदन में सवाल उठाता है, सरकार उसका जवाब देती है, संतुष्ट करने की कोशिश करती है कि इस वजह से ये फैसला लिया गया है,
सर न तो सरकार कोई जवाब दे रही है, 5000 लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे जो है उनके खिलाफ 107 की कार्रवाई की जा रही है, और वहाँ के लोग किसके पास आएंगे, जनप्रतिनिधि के पास आएंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं। जब सरकार नहीं सुन रही है तो मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है। बहुत दिनों से इस राज्य के कई एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। सबसे पहले नियोजन का मुद्दा था जिसमें मुख्यमंत्री जी का बयान आना है, तो टैक्टिक्स के तहत लगता है कि मुख्यमंत्री जी अंतिम दिन बयान देंगे ताकि हम लोग उसका कुछ काउंटर नहीं कर सके। अभी रामनवमी के विषय में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पहले दिन से सदन को इन्फॉर्म कर रहे हैं, मैंने किया, अनंत सदस्यों ने किया, बहुत नवीन जायसवाल जी ने किया, चंद्रवंशी जी ने किया, ओझा जी ने किया, डॉक्टर नीरा यादव जी ने किया, और आज आप देख रहे हो कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा विपक्ष एक साथ मिल करके डिमांड कर रहा था कि भाई क्या हम लोग तालिबान में रह रहे हैं, क्या तालिबानी शासन में रह रहे हैं। 5000 लोगों पर आपने 107 किया। 107 का जो कॉन्सेप्ट है कि जिनसे सरकार को खतरा रहता है कि कोई किसी त्यौहार में किसी ओकेजन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, उन पर 107 किया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों पर 107 किया गया है जो नौकरी पेशा है, जो बच्चे हैं, जो 70 साल के बूढ़े हैं, जो टीचर है, और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप केवल डराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आपने डीजे पर प्रतिबंध लगाया कि भाई डीजे नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा इसका आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। हजारीबाग में अभी कुछ लोग धरना पर बैठे हैं, पिछले बार मंगला का जुलूस निकलना था, प्रशासन ने विरोध करवाया और उसके बाद कुछ लोग धरने पर बैठे, उन 9 लोगों पर केस कर दिया गया। आज 5 लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहां के थानेदार ओपनली जा रहे हैं डीजे वाले के घरों पर, उनसे बॉन्ड लिखवा रहे हैं रात में 2-2 बजे तक कि आप डीजे नहीं देंगे। क्लब वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है खाड़ा वालों को कि भाई आप, तुम अगर डीजे के साथ निकालोगे तो तुम्हारे पर केस कर देंगे, अगर कोई पुराना केस होगा तो उसमें फंसा देंगे। तो मेरा, हम लोग जानना चाह रहे थे भाई सदन चल रहा है, प्रमुख विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, तो क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं, क्या हम लोग तालिबानी शासन में रहते हैं, क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह है, ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। आज हम लोगों ने जब जानने का प्रयास किया तो पहली बार अध्यक्ष जी ने एडजॉर्न कर दिया, बाद में फिर जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, मेरा यही मांग था कि भाई आप सरकार से उत्तर दिलवा दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या सरकार क्या इसमें इंटरवीन करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो बस हो गया, बस आपका सूचना आ गया, तो हम लोग सूचना देने के लिए थोड़े ही हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है राज्य का, पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य अगर आप रामनवमी देखेंगे तो ये हजारीबाग से शुरू होता है। तो क्या इस विषय पर इस सदन में सरकार का उत्तर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। अब मैं बेबस होकर के, जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो मैंने प्रोटेस्ट के लिए अपना कपड़ा फाड़ा है, और मैंने अपना कपड़ा ही नहीं फाड़ा, इस सदन का जो ये है उसको भी हमने तार तार करने का प्रयास किया कि ये सदन में किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई इशू पे एड्रेस नहीं किया जा सकता। अब जरा गौर फरमाइए, MLA साहब का कुर्ता फाड़ने को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता, क्योंकि सदन की एक अपनी गरिमा होती है। लेकिन चाहे संसद हो या विधानसभा, विधायक हो या सांसद, उनके पास एक ही राइट है कि संसद में और विधानसभा में सवाल उठाएं, और ये उम्मीद की जाती है किसी भी सेंसिटिव गवर्नमेंट से कि वो उसका जवाब देगी, खास तौर से उन सवालों का जवाब जिससे कि लोगों का हित जुड़ा हुआ है या लोग जुड़े हुए हैं। तो हजारीबाग में हंगामा हो रहा है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, विधायक जी ने फाड़ लिया कुर्ता, लेकिन इसके बाद क्या सरकार जो कदम उठा रही है, जो बैन लगाए हुए है और लोगों से डीजे वालों से लिखवा के ले रही है कि तुम डीजे अपना किसी को बजाने को नहीं देंगे, क्या उस वो रुक जाएगा अभियान, या चुनाव नजदीक है इसलिए ये सब हो रहा है। रहीन बिकबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।